कुछ दिनों से मुर्गियों के मरने की खबर हमारे पास आ रही थी और पूरे महीने में 4 लाख से ज़्यादा मुर्गियों की यहाँ डेथ हुई और देश के अलग अलग कोने से बर्ड फ्लू की हमें आप मीडिया के माध्यम से प्रेस के माध्यम से सूचना मिली। तो उसी वक़्त हमारा महकमा एक्टिव हो गया था। हमने शुरू में सैंपल ड्रा किए और जालंधर भेजे और उसके बाद जो है कुछ सैंपल लिए, उनको हमने भोपाल भेजा। ये लेबोरेटरीज दोनों 4 लेबोरेटरी देश में हैं जो इस तरह की बीमारी को का फैसला करती हैं। तो 2 हमारे नॉर्थ में हैं, बाकी दूर हैं। 3 सैंपल हमने भोपाल में भेजे थे, उनमें से वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के थे, एक SKM पोल्ट्री विलेज मोहली, इसके SKM पोल्ट्रीज विलेज मोहली पंचकुला, 3 बर्ड्स वहाँ भेजे हमने, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म विलेज खेड़ी ब्लॉक रायपुर रानी पंचकुला, इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी, ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1, ये उसी श्रृंखला में H5N8 है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। और एक तीसरा था नेचर पोल्ट्री फार्म डांडलावर विलेज गनोली। तो ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये जो ये मेरे साथी हैं अधिकारी, ये जो आम घातक होता है बर्ड फ्लू वो H5N1 होता है, ये H5N8 है, ये कम घातक है। तो हाँ, अब जो प्रोटोकॉल है हमारा, भारत सरकार की गाइडलाइन है, ऐसी स्थिति में जो काम करना पड़ता है कि जहाँ सैंपल लिया उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स होंगे सबको हमारा विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कलिंग करेंगे, उनको कहीं पूरी सुरक्षा में उनको मार के कहीं जला के या दबा देना, जो गाइडलाइन है प्रोटोकॉल है हमारा वो 1 किलोमीटर में, और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जितने भी हैं उनकी सर्विलेंस रखेंगे। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। ये ऐसा है कि जिस एक फार्म पे मान लीजिए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके 1 किलोमीटर में चाहे 4 फार्म और हैं, उनका कोई रिजल्ट भी नहीं है, सैंपल भी नहीं है, तो भी गाइडलाइन ये कहती है कि सारे उनको मारो, सारे जो मुर्गियों को ना, बाकी पक्षी नहीं। टीम हमने बढ़ा दी है और उसके लिए हमने नोटिफिकेशन करना होता है, नोटिफिकेशन कर दिया है, सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं इनको सबको कलिंग किया जाएगा। इस दायरे में हमारे पास आए अंदाजा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128 ने जिला अम्बाड़ा में 3 गांव कुराली, लालपुर और सोतली में 800 प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर की बीमारी के लिए सैंपल लिए थे, जिसमें से गांव लालपुर का सैंपल पॉजिटिव आ गया। ग्लैंडर बीमारी होती है घोड़ों की, वो भी ऐसी बीमारी है। हरियाणा सरकार द्वारा अम्बाड़ा जिले को 800 प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर रोग से बचाव नियंत्रण के लिए नियंत्रित क्षेत्र हमने घोषित कर दिया। घोड़े, खच्चर, गधे, 800 प्रजाति के अन्य पशुओं की जहाँ से इस जिले से रखे गए हैं किसी और जगह नहीं ले जाने देंगे। जब हमने वहाँ से बाहर भेजना बंद कर दिया कि घोड़ा उस इलाके के सभी को, वो एक प्रजाति है, टेस्टिंग भी करेंगे और इनकी सबकी टेस्टिंग कराएंगे। और इन जिलों के अंदर कोई पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल वगैरह पर पाबंदी लगा दी। तमाम मुर्गे
मुर्गियां हमारा विभाग के अधिकारी नोटिफिकेशन हमने कर दिया है, जाके उनको जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की उसके हिसाब से उनको ख़त्म करके वो दिया जाएगा। 1,66,000 हाँ, और उनमें जितने कर्मचारी हैं उन मुर्गी फार्म में जितने भी एरिया का है उनको हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये तो हो गया वेटरनरी का, हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनकी जांच करेगा कि इनके अंदर किसी उनके सैंपल लेके टेस्ट करेंगे या वॉच पॉइंट गार्ड रखेंगे, किसी को जुकाम है खांसी या बीमारी है कोई चीज़, उन सबको एंटीवायरल दवाई हेल्थ डिपार्टमेंट देगा। एक अच्छी बात यह है कि इन्हीं मुर्गी खानों में पिछले हफ्ते 10 दिन की बजाय धीरे धीरे कर डेथ कम होती जा रही है, तो इससे उम्मीद है कि बीमारी ज़्यादा घातक नहीं है, ज़्यादा फैलने वाली नहीं है और इसका कोई ज़्यादा प्रभाव लोगों की हेल्थ पर नहीं पड़ने वाला है। ये कम घातक वायरस है H5N8 और H5N1 होता है, वो सबसे ज़्यादा घातक है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, हमने सारी इस इलाके के अंदर डॉक्टर की टीम बढ़ा दी है। हमारे वेटरनरी जो डॉक्टर हैं लगभग 59 टीम तो हमने यहाँ पर भी डिप्यूट कर दी है। ये इतनी सारी टीम 40-50 टीम तो हमें इसलिए बनानी पड़ेगी कि थोड़े थोड़े ये आसान काम नहीं है कि इनको मुर्गियों को सावधानी रख के इनको पकड़ के इनको करके मार के इसमें दफड़ाना और इसके आगे ना फैले, तो ये प्रोसीजर हमारा डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। अलग अलग टीमें बना दी हैं कि इस फार्म में 10 टीम जाएंगी, इस फार्म में 5 टीम जाएंगी, वो क्या प्रिकॉशन देंगे, उन सब टीमों को जो हमारे दस्ताने और पहनने के अलग से कपड़े या मास्क वो सब हम देंगे और जगह कहीं ले जाके जिससे कि जो सावधानी बरत के हम करेंगे। और जो बाकी के फार्म हैं हमारे, मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि इसके अलावा जो हमारे जींद में सफीदों में फार्म है उनकी भी पूरी सर्विलेंस